लास्ट टाइम यहाँ तक हम लोग ने मॉडल किया था, अभी ना जो छोटी छोटी चीजें है वो पहले हम लोग कंप्लीट करने के लिए देखते हैं, जैसे कि आजू बाजू का रेलिंग, जो कंपाउंड है, ठीक है। तो ये रेलिंग जैसे हम लोग ने यहाँ से यहाँ पे बनाया था, हम लोग ने क्या किया था, सिर्फ कर्व लेके किया था, वही चीज यहाँ पे भी करेंगे। एक नॉर्मल कर्व ऐड कर लेते, टॉप व्यू में जाओ, टॉप व्यू में जाके हल्का सा एक कर्व ऐड कर लो। ये चीज क्या है, एक बार देख लेते। अच्छा परफेक्ट। स्प्लाइन में जाओ, स्प्लाइन में जाके लाइन, लाइन में जाके मुझे एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ तक चाहिए, थोड़ा सा अंदर तक चाहिए, एक पॉइंट यहाँ पे चाहिए, तो ग्रिड को स्नैप कर लो या शिफ्ट प्रेस कर लो, राइट क्लिक, परफेक्ट जगह पे रखना है। वर्टेक्स मोड पे जाओ और फिर यहाँ पे इसको स्नैप, फिर उसके बाद यहाँ पे हल्का सा मुझे राउंडनेस चाहिए। राउंडनेस के लिए हम लोग ने क्या किया था, फिलेट करके ऑप्शन था, यहाँ पे जाओ और क्लिक ऑन द फिलेट, हल्का सा फिलेट ऐड कर दो। एग्जैक्टली मैं वैल्यू नहीं ले रहा, सपोज यहाँ तक मुझे फिलेट ऐड करना है, दोनों एक साथ कर लो चाहिए तो। परफेक्ट। और उसको हम लोग क्या करेंगे, रेंडरेबल कर देंगे स्प्लाइन को। रेंडरेबल करने के लिए ऊपर ऑप्शन में जाओ, यहाँ पे रेंडरेबल ऑन कर दो, जो सेटिंग उसमें वही सेटिंग इसमें भी अप्लाई हो जाएगी। फ्रंट पे जाओ और यहाँ पे ऊपर ले लो, स्नैप ऑफ कर देता हूँ मैं फिलहाल, और प्रेस F3, ये लाइन थोड़ी से आगे आनी चाहिए, इसको कर लो और एक्सटेंड कर दो इस कर्व को कुछ यहाँ तक, क्लोज नहीं करनी है सिर्फ दोनों को। यहाँ तक ला दी, ठीक है। अभी ये रेलिंग थोड़ा सा 2.5 फीट तक ऊपर खींचना है मुझे, 1 2 3 1 फीट हो गया, 4 5 6 2 फीट हो गया, 7 एंड 7 एंड हाफ यहाँ तक मैं रख देता हूँ इसको, -4.8 में 6 5। थोड़ा आगे रखो, परफेक्ट। थोड़ा सा ठीक करना है मुझे, ठीक करने के लिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर रख दो, या फिर राउंडेड रखना है, राउंडेड का भी थिकनेस बढ़ा दो, 0.05 कर दो, तो राउंडेड आ गया। थोड़ा सा अपर साइड है तो थोड़ा सा और ठीक कर लेते, 0.1 कर लेते, ज्यादा हो गया, 0.075, ठीक है। इसको हम लोग ने 4 मटेरियल दिया था, इसमें से स्टील का ही इसको मटेरियल दे दो पहले, बाकी के सारे पिलर ऐड कर लो। इसको भी मैं स्प्लाइन ही देता हूँ, पिलर्स जो भी हम लोग ऐड करेंगे, तो लाइंस ले लो, लाइन में जाके यहाँ से यहाँ तक, ठीक। इसको आगे ले लो, इसका थिकनेस थोड़ा सा अब कम कर दो, 0.05 या उससे भी कम, ठीक है। लाइन परफेक्टली मैच कराओ चाहिए तो स्नैप कराओ, या फिर जैसे वैसे रखो।
और टॉप व्यू से उसकी प्लेसमेंट कर दो। मुझे ये कॉर्नर पे चाहिए, यहाँ पे एक सपोर्ट होता है तो एक सपोर्ट यहाँ पे चाहिए एज ए इंस्टेंस रखना है मुझे यहाँ पे और यहाँ पे, इसको भी इंस्टेंस, सॉरी अल्ट और इसको थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 7 और 2 कॉपीज बना दो। ठीक है, अगर इसका सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे, उस हिसाब से इसको परफेक्ट। ठीक है, ये रेलिंग हो गया, थोड़ा सा इसको कॉपी का बना लेते हैं नीचे, एज इसको कॉपी कर लो, इसका रेडियस कम कर लो 0.05 में भी 0.05, और सारे रेलिंग को एक ही जैसे टेक्सचर दे दो, सॉरी मटेरियल दे दो। तो हम लोग ने स्टील दिया था, SS करके सेव किया था, इसको दे दिया। ठीक है, ऊपर के साइड रेलिंग अगर बनानी है, मुझे नहीं लगता कि ऊपर के साइड बनानी चाहिए क्योंकि टेरेस है, चलेगा यहाँ तक। अभी मुझे क्या करना है, कलर्स करने हैं। अभी कलर्स करते टाइम इसको मुझे कुछ इस टाइप के ब्रिक का टेक्सचर देना है। मैं पहले टेक्सचर सर्च करता हूँ एग्जैक्टली सेम मुझे मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे जाओ, और यहाँ पे जाने के बाद उस टाइप के ब्रिक को क्या बोलते हैं, टाइल डोलपुरी टाइल्स करके कुछ बोलते हैं सर। ठीक, तो डोलपुरी टाइल टेक्सचर करके सर्च करेंगे हम लोग। इमेजेस में जाओ, इमेजेस में जाके टूल्स में जाके साइज बड़ी रखो। तो इसमें से कोई भी टेक्सचर जो सीमलेस रहेगा वो हम लोग ले सकते हैं। मगर मुझे यहाँ पे सीमलेस अभी तक तो नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं, मगर इसमें वाटरमार्क है। एक काम करते हैं, साइज सीमलेस टेक्सचर पे क्लिक कर लो। अभी हम लोग ना उसके लिए एक अलग चीज करते हैं। नॉर्मल में 3DXO करके इस वेबसाइट है, उसमें चेक कर लेते कि प्रॉब्लम मिलेगा कि नहीं। तो इसमें ये ब्रिक वर्क करके ये डाल सकते हैं हम लोग उसके ऊपर। ठीक है, तो उसके ऊपर क्लिक कर लो और ये इमेज डाउनलोड कर लो। यस, क्लिक कर लो और ये इमेज ऑलरेडी यहाँ पे आ गई है। इसको हम लोग कट पेस्ट करके मेरे रेफरेंस इमेजेस फोल्डर के अंदर डाल देते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जाओ और इसके लिए जो भी मटेरियल हम लोग ने यूज किया है उसको क्लिक कर लो। उसको क्लिक करने के बाद थोड़ा सा एक्सपैंड कर लो, कलर की जगह वो वाली इमेज मुझे यूज करनी है। तो यहाँ पे बिटमैप टाइप कर लो,
और बिटमैप में ये वाला टेक्सचर जनरल वाला ओपन करके जहाँ पे मैंने रिग रखा है और रेफरेंस इमेजेस करके उसके अंदर जाके वो टेक्सचर ऐड कर लो। सो हियर इज दैट। ठीक, अभी जो टेक्सचर हुआ है वो क्या हो रहा है, अभी हर जगह से स्ट्रेच हो रहा है, हर एक जगह से स्ट्रेच हो रहा है कि मुझे अभी पता नहीं चल रहा कि कितना स्ट्रेच हुआ है, कितना रखना है, कितना नहीं रखना है। तो अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को अनरैपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नॉर्मल यूवीडब्ल्यू मैप डाल के पहले देखते हैं, मॉडिफायर में जाओ, पहले ये वाले ऑब्जेक्ट को, सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट को मैप वो टेक्सचर सेलेक्ट कर लो और फिर यूवीडब्ल्यू पे जाओ, यूवीडब्ल्यू मैप अप्लाई कर लो। यूवीडब्ल्यू मैप करने के बाद अभी मुझे ये साइड से भी टेक्सचर देना है, मतलब फ्रंट से भी देना है, लेफ्ट से भी देना है, थोड़ा सा टॉप से भी दिख रहा है वहां पे भी स्ट्रेच नहीं लगना चाहिए, ऐसे भी देना है। तो मैं उसके लिए अगर नॉर्मल शेप है बॉक्सी टाइप तो मैं बॉक्स टेक्सचर देता हूँ। ठीक है, बॉक्स टेक्सचर देने के बाद भी स्ट्रेच हो रहा है, राइट? तो उसको मैं क्या करता हूँ, नीचे जाके फिट करके ऑप्शन है, फिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो फिट क्या करता है, उसी टेक्सचर को उस हिसाब से फिट करने की कोशिश करता है, फिर भी नहीं हो रहा क्योंकि एक इमेज कुछ इतना ही है और वो फिट करेंगे तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेच ही होगा। तो आइदर हम लोग को यहाँ पे टाइलिंग बढ़ाना पड़ेगा या फिर यहाँ पे टाइलिंग का ऑप्शन है वो बढ़ाना पड़ेगा, तो दोनों में से एक चीज करनी पड़ेगी। तो पहले हम लोग इसके ऊपर जाते हैं क्योंकि मटेरियल ये और ये दोनों को अप्लाई करें, दोनों को साइज डिफरेंट है, हाइट से सेम है मगर विड्थ से दोनों के डिफरेंट है। इसके लिए मैं यहाँ पे कोई भी टाइलिंग नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे करूंगा तो इसमें भी इफेक्ट होगा। तो UVW मैप के अंदर जो भी टाइलिंग है उसके अंदर चेंजेस करूंगा मैं। तो पहले U मैप XYZ एक्सेस रहता है, यहाँ पे मैं फाई कर लेता हूँ। या जैसे मैं यहाँ पे फाई किया तो एक्स एक्सिस से ये टाइलिंग ऐसे दिख रहा है। ठीक है, एक ही इसमें प्रॉपरली हर एक जगह से टाइलिंग दिख रही है। ठीक है, अगर फाइल ज्यादा लग रहा है 3 ऐड करके देखो। ठीक है, मुझे फाइव ठीक लग रहा है। यहाँ पे वर्टिकली मुझे सपोज 2 करना है, 2 ज्यादा हो रहा है, सपोज 0.5 कर लो, हाफ कर लो, तो ये भी ठीक है। या फिर 1 रख दो, आपके ऊपर है अगर छोटे छोटे टाइप सिखाने। अभी ये जो ब्रिक रहती है उसका साइज अप्रोक्सीमेटली 2.5 इंच जितना रहता है, तो अगर आपका इसका हाइट एक्सट्रूड कितना किया हम लोग ने 2 फीट है, तो 2 फीट के अंदर अगर 3 इंच का रहेगा तो अराउंड 8 ब्रिक्स या 6 ब्रिक्स यहाँ पे फिट होने चाहिए अगर हम लोग ये डायमेंशन से जाते हैं। तो यहाँ पे कितने ब्रिक्स दिख रहे हैं, 3, 4, 5, अराउंड 10 दिख रहे हैं, तो मुझे थोड़े से और कम करने नंबर ऑफ ब्रिक्स दिखने। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूवी में जो वी है वी थोड़ा सा 0.8 कर लेते हैं, ठीक है, या फिर 0.7 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इन नंबर ऑफ ब्रिक्स मुझे ठीक लग रहा है, 7 ब्रिक्स आ रहे हैं हाइट वाइज। ओके, अभी तक हम लोग ने इसके अंदर कोई भी डिस्प्लेसमेंट मैप वगैरह नहीं दिया है, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट मैप है तो वो भी आप प्रॉपरली दे सकते हैं इसके अंदर। अभी मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और इसके अंदर भी UVW मैप अप्लाई कर सकते हैं। UVW मैप पर क्लिक कर लो, यहाँ पे जैसे हम लोग ने किया था 0.7 करने से प्रॉपरली हाइट आ रहा था, और विड्थ करने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे 3 या 5, या उससे पहले ना यहाँ पे फिट पे क्लिक कर लो और इसको बॉक्स एज अ बॉक्स करके
पिक्सेल अप्लाई कर दो। ठीक है, बॉक्स अप्लाई करने के बाद अभी यहाँ पे 5 3, तो दोनों को एक जैसी टेक्सचर लेनी चाहिए। तो ये ईटे थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेच हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा टाइलिंग और बढ़ा देते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा है। ठीक है, तो ये टेक्सचर ऐसे अप्लाई किया। अभी उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ऑलमोस्ट हो गया हम लोग का, तो ग्लासेस बनाने। ठीक है, ग्लासेस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो अंदर की फेस है उसको अलग से अगर रूम बनाना है तो रूम बनाओ, हम लोग उसको रूम में ही बनाना है, मतलब पूरा का पूरा एम्प्टी नहीं रखना है। अब ये वो आपके ऊपर है, आपको कैसे रखना है। इन्होंने बनाया है 1 2 3 जगह पे और ग्लासेस अप्लाई किए। मैं एक बार इसको सेव कर लेता हूँ, गलती से गड़बड़ हो गई। तो ऑलरेडी एक्सटीरियर बना रहे, इसके अंदर का पार्ट बनाना है मुझे। तो एक चीज कर सकते हैं हम लोग, अंदर से बुलियन कर सकते हैं और बाहर ग्लास दिखा सकते हैं, एक चीज कर सकते हैं। या फिर पूरा का पूरा जो ये वॉल है वो ब्लैक कलर का दिखाओ और सिर्फ ऊपर ग्लास का अलग टेक्सचर डाल दो, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको अलग से बुलियन करना है तो एक बॉक्स ले लो और बॉक्स लेके इसके अंदर जहां जहां पे आपको रूम इतना बड़ा दिखाना है तो इसके हिसाब से रूम को अंदर से बुलियन करना। ठीक, रूम को अंदर बुलियन करने के लिए हम लोग और एक चीज कर सकते हैं कि जो ओरिजिनल अपना बॉक्स है या फिर आउटर शेप है, ये जो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको हम लोग कॉपी बना लेते हैं, एक यहाँ तक टॉप व्यू में जाओ, राइट। और पूर एक अलग से बॉक्स ऐड कर लो, तो अभी इससे पता चलेगा कि कितनी विड्थ रखनी है, हाइट रखनी है, या जो भी है, यहां से यहां तक सपोज एक बॉक्स अप्लाई किया। अभी वॉल की थिकनेस सिंगल ईट की रहेगी तो 4 इंच, या फिर डबल ईट की रहेगी तो 8 इंच, ऐसा वॉल का साइज रहता है। कभी कभी 10 इंच तक भी चला जाता है, या बीम वगैरह रहेगा तो और बढ़ जाता है। तो इसमें अभी हम लोग को बीम एग्जैक्टली कहाँ पे है कैसे है वो पता नहीं है, और हम लोग सिर्फ एक एंगल से ही रेफरेंस देख रहे हैं। तो एक अप्रोक्सीमेटली 10 इंच या फिर डायरेक्टली 1 फीट का डिस्टेंस कंसिडर करके अंदर की थिकनेस वॉल की डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार एक बॉक्स ऐड कर लेता हूँ, हाइट दे देते हैं। अभी यहाँ पे सपोज यहां से मुझे करनी है, इसको प्रॉपरली करना है, इसको एडिटेबल पॉली कर देते हैं, एक सेगमेंट यहाँ पे डाल देते हैं। सेगमेंट डालने के लिए क्लिक, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ओके। इसको एडिटेबल पॉली कर दो, वर्टेक्स मोड पे जाने के लिए 1 प्रेस कर लो, और फिर ये वॉल के 1 फीट तक नहीं करते, 8 इंच कर लेते, क्योंकि मैंने 1 फीट के बाद ये विंडो का फ्रेम बना है, इसके लिए मैं 8 इंच रख रहा हूं। 1 बॉक्स मतलब 4 इंच है, 2 बॉक्स मतलब 8 इंच, 3 बॉक्स मतलब 12 इंच, 12 इंच मतलब 1 फीट, ये कैलकुलेशन से मैं कर रहा हूं। ठीक है, ये सपोज मैं यहाँ पे किधर तो रख रहा हूँ, रेस्पेक्टिव व्यू में जाओ। ठीक है, उसके बाद
वायर फ्रेम मोड पे जाके इसके जो अंदर के फेस है इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। एक्सट्रूड पे जाओ और वैल्यू बढ़ा दो, ओके कर लो। फ्रंट व्यू से जहाँ तक मुझे चाहिए वहाँ तक, लेस से यहाँ तक। ये चीज नीचे आनी चाहिए, पूरे के पूरे वर्टेक्स। ठीक है, तो ये बन गया। अभी इसको बुलियन करना है, इसको डिलीट मार देते हैं, इसको बीच में रख देते हैं 0 0 0। ठीक है, और उसके बाद सिर्फ ऊपर वाले बाहर वाले शेप को सिलेक्ट करना है, और चाहिए तो इसका अलग कलर दे दो ताकि अंदर के साइड पूरा का पूरा अलग कलर दिखे। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लो अंदर वाले बॉक्स को, और उसको मटेरियल दे दो लेट्स से ये वाला। ठीक है, बुलियन करने से क्या होता है, जो पार्ट डिलीट होता है ना उसको वो मटेरियल अप्लाई हो जाता है। तो इसको सिलेक्ट कर लो पहले, उसके बाद बुलियन के लिए ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बाद स्टैंडर्ड प्रिमिटिव, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव के बाद कंपाउंड ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रो बुलियन पे क्लिक करना है। प्रो बुलियन पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट पिकिंग, और ये जो अंदर वाला बॉक्स है उसको क्लिक कर लो। ठीक है, तो अंदर के साइड अभी देखो होल हो गया, राइट। अभी हम लोग जो बाहर का है उसको कन्वर्ट टू पॉली फिर से कर लेते हैं। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, गो टू पॉलीगॉन, और ये जो ऑप्शंस है ये डिलीट कर दो, ये नहीं चाहिए। यहाँ से मुझे एक अलग शेप चाहिए। ठीक, इसको सिलेक्ट कर लो, फ्रंट व्यू में जाओ, फ्रंट व्यू में जाके कट ऐड कर दो इसको। सिर्फ पॉलीगॉन है, इनसेट पे जाओ, या फिर इसको एज मोड पे जाके सिर्फ इसको और इसको सिलेक्ट कर लो, और एक कनेक्ट ऐड कर लो बीच में। ठीक है, कनेक्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे वर्टेक्स ऐड कर दो, फिर पॉलीगॉन मोड पे जाओ, सिर्फ ये वाला पॉलीगॉन सिलेक्ट कर लो और इनसेट पे जाओ, और इनसेट की वैल्यू कम कर दो, ओके कर दो, और फिर ये वैल्यू को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, बीचों बीच आना है मुझे, वर्टेक्स मोड पे जाके चाहिए तो ये दोनों वर्टेक्स यहाँ पे होने चाहिए, ये दो वर्टेक्स कुछ यहाँ पे रख दो, ये दो वर्टेक्स ग्रीन वाले के यहाँ पे चिपका दो। ठीक है, पर्सपेक्टिव व्यू में जाओ, और ऐसा कुछ मिलेगा हम लोग को। बाद में फिर से पॉलीगॉन मोड पे जाओ, ये वाला पॉलीगॉन चाहिए तो डिलीट मार दो। ठीक है, तो हॉलोनेस इसके अंदर आ गया। अभी यहाँ पे भी अगर चाहिए यहाँ पे भी डिलीट मार दो, राइट।
तो अब यहाँ पे हम लोग ग्लास डाल सकते हैं। ठीक है, ग्लास डालने के लिए नॉर्मल ग्लास यूज कर लो, या फिर जैसे ये स्लाइडर है, स्लाइडर जैसे अलग अलग फ्रेम बना के अलग अलग स्लाइडर ऐड कर दो जैसे आप, या फिर एक कम्प्लीटली ग्लास बना दो। आपको अगर ओपन क्लोज नहीं करना है, एक कम्प्लीटली एक बॉक्स बना के उसको ग्लास का टेक्सचर दे दो, और बीच में जो फ्रेम्स के लिए स्टील के अलग बॉक्स छोटे छोटे ऐड कर लो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली एक बड़ा ग्लास डाल देता हूँ और उसके अंदर फ्रेम के लिए अलग बॉक्सेस में ऐड करने वाला, क्योंकि वो मुझे एनिमेट नहीं करना है, या फिर ऐसे वॉक थ्रू करते टाइम ओपन क्लोज का एनिमेशन या फिर दिखाना नहीं है। तो एक नॉर्मल बॉक्स लिया मैंने, और बॉक्स ले लो प्लेन मत लो, ग्लास दिखाने के लिए, रैप दिखाने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा बॉक्स यहाँ पे रखो, सेगमेंट 1, और यहाँ पे सपोज रखो 2 2 बाय 2.75, और हाइट एकदम कम रहेगी 0.05, और ये शायद और बड़ा रखना है 0.8 या सॉरी 2.9 में भी, एक बार चेक कर लो कि किससे कहाँ तक आ रहा है। तो शायद यहाँ पे है कुछ, पर्सपेक्टिव में जाओ, कुछ यहाँ तक हम लोग उसको ग्लास को रख सकते हैं। ठीक है, ग्लास का एक अलग मटेरियल क्रिएट कर लो, फिजिकल मटेरियल में ग्लास का मटेरियल, ग्लास सॉलिड ज्योमेट्री पे क्लिक कर लो और अप्लाई कर दो ग्लास का कोई भी टिंट अगर रखना है। तो यहाँ पे हल्का सा ब्लूइश टिंट है, आपको अलग से टिंट रखना है, या फ्रॉस्टेड ग्लास रखना है तो फ्रॉस्टेड ग्लास रखो। ठीक, तो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा वो, हल्का सा उसके अंदर टिंट रहेगा, तो टिंट का कलर भी यहाँ से ट्रांसपेरेंसी के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सेमी ट्रांसपेरेंट रहेगा बेसिकली। उसके बाद उसी को हम लोग ऊपर नीचे कर लेते हैं जहां जहां पे मुझे लगने वाला है। डोर बाकी है मेरा, विंडोज 3 जगह दिख रहे हैं एटलीस्ट मुझे यहाँ से, तो सिर्फ आगे की तरफ से मैं कर रहा हूँ। मेरा कॉपी कर लो, कॉपी करके इसको फ्रंट में जाके थोड़ा सा स्केल कर लो चाहिए तो, मेरे ख्याल से साइज ऑलमोस्ट सेम है दोनों का। ठीक है, हाइट वाइज नीचे भी थोड़ा ज्यादा है, अगर कम करना कम कर सकते हो। उसके बाद यही यहां पे करेंगे कॉपी पेस्ट, इसको ला दो यहां पे किधर दो, और फ्रंट में जाके उसको स्केल कर दो उसके हिसाब से। ठीक है, एडिटेबल पॉली की है तो डायरेक्टली वर्टेक्स आप कर सकते थे, तो आपको जैसे ठीक लगे वैसे कर लो, दोनों भी सही है, गलत कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे रख दिया मैंने, इसका कॉपी बना के यहाँ पे डाल देते हैं। इसको कुछ यहाँ पे लेके आना है, फ्रंट में जाके थोड़ा सा हाइट बढ़ाना है, थोड़ा सा विड्थ,
डन। ठीक है, ग्लास हो गया 3 जगह के। अभी ये उसको फ्रेम जैसे बनाना है हर एक जगह पे। ठीक है, एक्चुअली आउटर फ्रेम भी चाहिए, इन्होंने सिर्फ यहाँ पे ही सिर्फ फ्रेम बनाया है, तो हर एक जगह फ्रेम जहाँ जहाँ पे चाहिए वहाँ पे बना लो। एग्जैक्टली कैसे फ्रेम है, 4 डिवाइड किए और डोर जैसे बनाए। ठीक है, नॉर्मली बॉक्स 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 रखने वाले हम। थिकनेस सबका सेम रखेंगे, ठीक तो बस 1.9, हाइट रखे 0.05 या उससे थोड़ा सा बड़ा, 7 कर लेते, 0.07। और ये जो विड्थ है, विड्थ को कर लेते 0.,, क्या प्रेस कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 0.05 रखें, या फिर 0.1 रखना है, ज्यादा थिक दिखेगा। इसको एडिटेबल पॉली कर देते हैं और हर एक जगह में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। राइट क्लिक, एडिटेबल पॉली, और पहले तो इसको आगे लेके जाए, और ग्लास जो भी है वो ग्लास के थोड़ा सा आगे आना चाहिए, थोड़ा सा अंदर भी डाल दी तो भी चलेगा, इसके थ्रू रहेगा। ठीक है, और मटेरियल पहले ही दे दो क्योंकि हम लोग उसको कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। मटेरियल में जाओ, ये स्टील का मटेरियल उसको देता है, एल्यूमिनियम रहता है स्टील का। ठीक है, दे दो। इसे इंस्टेंस कर दो। ठीक है, उसके बाद इसको कॉपी, फिर से इसको एज अ कॉपी रख दो, रोटेट कर दो 90 डिग्री, यहाँ पे रख दो, स्केल इट। ठीक है, अभी फिलहाल मैं अप्रोक्सीमेटली रख रहा हूँ पर प्रिसाइजली नहीं कर रहा हूँ। ये इसको ही इसको इसका कॉपी एक यहाँ पे, जो कि सॉरी कॉपी नहीं बनाया मैंने, कितना हाइट है सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर से 1 फिट लीव कर देगा, 6 फिट ही है। वाइज कॉपी रखो, वर्टेक्स मोड पे जाके इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे रखो। ठीक है, और बीच में और एक पार्टीशन देना है, इसको पकड़ो एकदम बीचों बीच रखो, एज अ कॉपी रखो, और ऊपर के वर्टेक्स पकड़ के यहां तक नीचे तक कर लो। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का दिखेगा, जैसे ये है वैसे ही। अभी जो भी है इसको सिलेक्ट करके ग्रुप कर लो पहले, क्योंकि ये ऊपर भी हम लोग यूज करने वाले, ऊपर वाले विंडो को। कंट्रोल जी या फिर ग्रुप विंडो स्लाइड 01,
तो इसको ही ऊपर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इज अ इंस्टेंस परफेक्ट। यहाँ पे विंडो पे सिर्फ ए के बीच में स्लाइड है और यहाँ पे ये भी एग्जैक्टली सेम है, तो इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते, सिर्फ साइजेस अलग है। मैं डायरेक्टली स्केल ही कर देता हूँ। इसलिए स्केल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका थिकनेस कम ज्यादा होगा। मुझे मैं अभी फिलहाल लाइट्स भी दिखानी है इसके लिए। इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके कुछ पूरा का पूरा फायदा नहीं है। कॉपी करके इसको अनग्रुप कर लो। अनग्रुप करके मुझे सिर्फ बीच वाला ही चाहिए, तो ये डिलीट कर दो, ये डिलीट कर दो, ये डिलीट कर दो और इसके हिसाब से उसको फिट कर लो। इसको एक कोने में रख दो तो बहुत। उसके बाद वर्टेक्स मोड पे इसको कम कर दो, ठीक है। तो मैंने इंस्टेंस रखा था इसके लिए, तीनों भी एक साथ कम हो रहा है। इसके बाद इसको नीचे ले लूं, और वर्टेक्स मोड पे जाके इसको भी कम कर, ठीक है। और फिर इसको ग्रुप कर दो। और इसके ऊपर फिट कर, परफेक्ट। सेव कर लो इसको, इस फाइल को। डोर का अगर करना है, डोर का पॉलीगॉन में जाओ, इनसेट ऐड कर दो। फ्रंट व्यू में जाके जितना डोर का हाइट होना चाहिए उतना हाइट रख दो, बीचों बीच रख दो। तो डबल डोर है, डबल डोर का जो विड्थ रहता है अप्रोक्सीमेटली 3.5 फीट तक रहता है मिनिमम में भी, और जो हाइट रहती है हाइट 6 फीट से ऊपर ही रहती है, ठीक है। तो उसको वर्टेक्स सिलेक्ट कर लो और फिर 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट और समझ में नहीं आ रहा है।
इसी हाइट पे 6 फीट आता है। ठीक है, थोड़ा सा विड्थ कम कर लेते हैं, सबको सिलेक्ट कर लो। टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व, मतलब 4 फीट हो गए ये, मतलब तो ये 4 फीट का डोर हो गया। पर्सपेक्टिव में जाओ, अगर मुझे इतने डोर चाहिए उतना पॉलीगॉन सिलेक्ट कर लो और एक्सट्रूड कर लो हल्का सा माइनस में, मे बी माइनस 0.2। और डिलीट मार दो। ओके, डोर के लिए एक अलग से डिजाइन है, तो मैं नॉर्मल डोर, एक डबल डोर का रख देता हूँ, डिजाइन वगैरह कुछ नहीं भी डाल रहा हूँ। एक बॉक्स लेके एक डोर यहाँ पे, एक यहाँ पे, उसकी हाइट विड्थ लेट्स से 2, विड्थ रहेगी 0.5 या 0.6। और हाइट रहेगी 0.205। दोनों को हल्का सा लाइन कर लो जो बुलियन के उसके साथ, और डोर को मैं ओपन रखने वाला हूँ फिलहाल। तो सिलेक्ट कर लो एडिटेबल पॉली, इसको बाद में कर लेते हैं। और क्या करूं मैं इसके अंदर, और सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करके यहाँ पे रिंग के ऊपर क्लिक कर लो और कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर लो। यहाँ पे रिंग पे क्लिक कर लो, यहाँ पे मुझे सेगमेंट चाहिए, ऑलराइट। और फिर पॉलीगॉन में एक्सट्रूड, जो पहले इनसेट ऐड कर लो, बाय पॉलीगॉन वैल्यू कम कर लेते हैं। एक सस्ता वाला डोर बना लेते हैं। बंगलो का डोर ऐसे वुडन मटेरियल कोई भी ऐड कर लेते हैं, वुडन। और उसका उसको आगे कर लो,
मुझे ओपन दिखाना है, तो मैं क्या करता हूँ इसको, इसका पिवेट साइड में कर लेते हैं और फिर इसका मिरर कर लेते हैं, इंस्टेंस, और ओके कर दो। इसको यहाँ पे रख दो और फिर डोर ओपन रख देते हैं। हो गया, अभी इसके बाद नहीं और कुछ कर रहा हूँ, सिर्फ बाजू में लाउंज जैसे कुछ प्लेन बना लो। इसके डाल दो सपोज 25 बाय 25 मीटर, सेंटर ऑफ द ग्रिड कर लो, ग्रीन कारपेट डाल दो, सामने एक ग्रीन कारपेट के लिए अलग टेक्सचर, ग्रास कारपेट। अभी मैं इसमें किसी में भी ये यूज नहीं कर रहा हूँ, का डिस्प्लेसमेंट मैप, नॉर्मल मैप। आपको करना है तो आप बेटर लगेगा, अगर करते हो तो बेटर आउटपुट देगा। इसमें से सपोज मुझे सीमलेसली चाहिए कोई भी आयरस, ये ले लेते हैं, सेव इमेज, EVIF क्यों होता है, EVIF को अगर हम लोग ओपन करते हैं, सीमलेस ओपन विद पहले फ्रेंड करते हैं, बहुत कम साइज है एक्चुअली इसकी, जेपीजी में करके यहाँ पे पहले ही नाम देते हैं जेपीजी का। और वो टेक्सचर इस पे अप्लाई कर लेते हैं, जेपीजी, अप्लाई, टाइलिंग बढ़ा देते हैं, लेट्स से 25 बाय 25। टाइल्स दिख रहे हैं एक्चुअली, ऐसे नहीं दिखना चाहिए। एक और बॉक्स जैसे कुछ ऐड कर लेते हैं सामने की तरफ, हाइट उस करेगा 0.01, विड्थ 9, सॉरी 10 काफी है मेरे ख्याल से, और इसको व्हाइट कलर दे देते हैं। कंपाउंड वॉल बनाना है, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया मेरे ख्याल से। एनीवेज से वो 3 टाइप के वॉल क्रिएट कर लेते हैं, रेक्टेंगल 25 बाय 25 बाय 25, ये हटा दो, रेंडरिंग ऑफ कर दो, इसको कर दो 25 बाय 25, कन्वर्ट टू ए टेबल स्प्लाइन, सेगमेंट हटा दो और इस वॉल को आउटलाइन दे दो।
इसको देते 1 फीट का आउटलाइन और एक्सट्रूड कर देते 4 फीट तक। 4 फीट मीन्स 1.2। और इसको हम लोग सेंटर ऑफ द ग्रिड डाल देते हैं। या 6 फीट की वॉल बना लो, इसको भी वही व्हाइट कलर दे दो। इसके ज्यादा कुछ डिटेलिंग्स नहीं है ऐड करने। इस रेफरेंस को हाइड कर दो। ओके, अभी ये अगर हम लोग रेंडर करेंगे तो कैसे दिखेगा? शिफ्ट क्यू, और ये जो व्हाइट वाला टेक्सचर है इतना रिफ्लेक्टिव व्यू दिख रहा है। कि जो ग्रास का है उसके अंदर भी जो भी रिफ्लेक्शन वगैरह है वो वैल्यू कम कर दो। जो फ्रॉस्टेड ग्लास कुछ अलग ही दिख रहा है। इसमें भी अगर रफनेस वैल्यू है तो 1 कर दो किसी भी मटेरियल में। ये रेंडर कर दो। तो अभी ये जो डिफॉल्ट लाइट है उसके हिसाब से कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है। अभी इसके अंदर लाइटिंग करना बाकी है। लाइट हम लोग ने कुछ भी नहीं किए, जो डिफॉल्ट लाइट भी एक्चुअली है नहीं इसके अंदर। तो एक्सटीरियर लाइटिंग इसके अंदर करनी है। कुछ हम लोग एक कैमरा सेट कर लेते पहले F10 दबाओ। ये आर्नोल्ड ही है। आर्नोल्ड के बाद कौन सा रेजोल्यूशन आपको चाहिए वो उतना से सेलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद सपोज दूसरा कोई चाहिए, HDTV ठीक है, पहले 80x920 ये रख देते हैं। ठीक है, शिफ्ट एफ दबा दो। शिफ्ट एफ से सेफ फ्रेम ऑन होगा। उसके बाद जो कैमरा आपको ठीक लगे उस कैमरा एंगल को सेट कर लो। आर्नोल्ड का कैमरा यूज करना है, कैमरा में जाओ और आर्नोल्ड के कैमरा में जाओ। आर्नोल्ड में नॉर्मल कैमरा ऐड कर दो कोई भी, और सी दबाओ। सी दबाने से उस कैमरा एंगल से हम लोग देखते हैं। कहाँ पे गए कहाँ पे गए? टॉप व्यू में जाओ, कैमरा ऐड कहाँ पे गया सिलेक्ट कर लो और जेड दबा। तो यहाँ पे कैमरा कहीं और ही जगह पे। बहुत ज्यादा वाइड हो गए। नॉर्मल कैमरा ऐड कर लेते, फिजिकल कैमरा पर्सपेक्टिव में जाओ। सबको सिलेक्ट करके जेड दबाओ। ओप्स,
कैमरा मोड पे जाओ, उसका एफओवी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल कैमरा एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा रोटेट करना है। कुछ इस टाइप से कैमरा शिफ्ट क्यू, तो ऐसे कुछ दिखना चाहिए। तो अभी जो भी रेंडरिंग है, रेंडरिंग अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। यहां तक टेक्सचरिंग हो गई है, लाइटिंग एंड रेंडरिंग। स्टील भी बहुत ज्यादा शाइनी लग रहा है, उसको कम कर सकते हैं। अर्नोल्ड की कुछ सेटिंग्स रहती है रेंडर मदर टाइम, वो भी मुझे लो करनी है। ठीक है, एस्केप दबा रहा हूँ, सेव कर लो फाइल, एंड नेक्स्ट लेक्चर में लाइट्स ऐड कर लेते हैं।